विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने सुबह मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक सकारात्मक वातावरण है और 6 चरणों के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि 400 पार के लक्ष्य को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का मान बढ़ाया है और भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। यही कारण है कि आज पूरा देश मोदी जी के समर्थन में खड़ा हुआ है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीब कल्याण से लेकर राष्ट्रीय गौरव तक हर दिशा में अभूतपूर्व काम किए हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो भाजपा की सरकार बनते ही मोदी की गारंटी के महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। राजनांदगांव लोकसभा में जब दुर्ग से आए दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा जी को पीछे रहना पड़ा, तब दुर्ग से भूपेश बघेल को भी राजनांदगांव की जनता सम्मान के साथ वापस दुर्ग भेजेगी। बिल्कुल, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मगर एक नाम पूरे देश में, जब बच्चे बच्चे से पूरे देश के किसी से पूछा जाए तो एक नाम ही पूरे देश में चल रहा है, वो है मोदी जी का। और 400 पार की बात जब हम करते हैं तो सीधा एक व्यक्ति के विकास की कल्पना को साकार करते हुए तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी जी फिर सीट जाएंगे, इस पूरे देश की जनता कहती है। तो मुझे लगता है कि बड़ा मुद्दा विकास का है, 10 साल के ऐतिहासिक काम का है, और जो नया इतिहास रचा गया 10 साल में, जो कल्पना हिंदुस्तान के आम मतदाता और व्यक्ति नहीं कर सकता, सर्जिकल स्ट्राइक छत्तीसगढ़ देश के इतिहास को गौरवान्वित करने वाला काम नरेंद्र मोदी जी करा, 370 की समाप्ति अपने आप में नया इतिहास रचा। जिस प्रकार ट्रिपल तलाक में महिलाओं का समर्थन मिला, मुस्लिम बहनों का, उसी प्रकार बड़ी से बड़ी योजनाओं को छत्तीसगढ़ और देश में क्रियान्वयन करने की ताकत मोदी जी में है। और ये हम देख रहे हैं कि गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनी है, 80 करोड़ लोगों के लिए चावल की व्यवस्था करना, 13 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर, 4 करोड़ से ज्यादा आवास के निर्माण के बाद, 10 करोड़ घरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, 50 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खोले गए, ये गरीबी और गरीबी उन्मूलन के दिशा में जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं, ये अपने आप में चमत्कार किया है पूरे देश के अंदर। और ये चमत्कार किया है पूरे करप्शन को रोकने में। जितने भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं जो दिल्ली से चलती है, उसका पैसा सीधा हितग्राहियों तक आ रहा है। कांग्रेस इसको 50-60 साल में नहीं कर पाई। और उससे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब मैं बात करता हूं तो छत्तीसगढ़ में जो जनता के साथ हमने भरोसा दिलाया था, मोदी जी की गारंटी में छत्तीसगढ़ में जो वादे किए थे, वो वादे भी तो 4-5 महीने में पूरा करने का काम हुआ है। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद 3100 रुपया क्विंटल धान की खरीदी की व्यवस्था की गई, 2 साल का बोनस जो पुराना बाकी था 3700 करोड़ का, उसको देने का काम किया गया। इन योजनाओं से सीधा सीधा विश्वसनीयता सरकार की बढ़ी है। और उसके साथ ही साथ महतारी बंधन योजना, जहां करोड़ों बहनों के जीवन में उत्साह आया है, 70 लाख से ज्यादा बहनों को 1000 रुपया मासिक मिलने की शुरुआत हुई है, ये ऐसी योजना है जिसको समयबद्ध पूरा करने का काम विष्णुदेव जी ने। नहीं देखिये, मेरी भूमिका चुनाव में रही है, मगर मैं मानता हूं कि हम लोगों की भूमिका के साथ जो कार्यकर्ता तो मेहनत और भूमिका होती है। तो राजनांदगांव लोकसभा का इतिहास रहा है, राजनांदगांव में बड़े बड़े दिग्गज आए दुर्ग से और लोकसभा चुनाव लड़े और पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो जब दुर्ग के वोरा जी जैसे सम्मानी नेता को पीछे रहना पड़ा, तो भूपेश को भी दुर्ग से आया है सम्मान के सहित राजनांदगांव वाले वापस दुर्ग भेजेंगे, ये राजनांदगांव में कोई गुंजाइश नहीं है, भ्रम फैला दिया। ये सरासर राहुल गांधी
जिस प्रकार लोगों को भ्रमित करने की उसकी आदत, कॉन्स्टिट्यूशन को 10 साल यदि हमारी सरकार रही, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री जी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो उपयोग मोदी जी ने किया है वो लोगों के जीवन में परिवर्तन कर देंगे। और जहां तक सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने के बाद, तो कांग्रेस का इतिहास रहा है जिस प्रकार संविधान के साथ तोड़ मरोड़ किया गया, आपातकाल लगाया गया, सारे बंधन लगा दिए गए, देश को जेल बना दिया गया, इस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस के दौर में हुआ, आपातकाल लगा थे हिन्दुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया है उनका मान सम्मान गौरव के साथ साथ पंचतीर्थ की स्थापना के साथ साथ उन सब गरीब परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है।